अब हम अपने वतन की ताकत तुमसे क्या बताएं ऐ सनम। अब हम अपने वतन की ताकत तुमसे क्या बताएं ऐ सनम, वो जो ताकतवर हैं कुछ ताकतवरों की सिफारिश हमसे करते हैं। जय हिंद दोस्तों। ऊपर जो मैंने बात कही वह कोई शायरी नहीं है, यह एक सच्चाई है। और इसका कॉन्टेक्स्ट यह है कि इसी रायसीना डायलॉग 2020 में रशिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर सर्जी लावरोव ने कहा कि हम एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक क्यों कहें। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक एक डिविसिव आइडिया है जो कि इस रीजन से चाइना को तटस्थ करने के लिए है। उन्होंने कहा कि भारत समझदार है और वह इंक्लूसिव फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए चाइना के इंटरेस्ट और इंक्लूजन को भी ध्यान में रखेगा। अब मैं यशवंत सिंह आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताऊंगा कि एशिया पैसिफिक क्या है और इंडो पैसिफिक क्या है और इंडो पैसिफिक से चाइना क्यों बुरा फील कर रहा है। और हमारा ऑल वेदर फ्रेंड रशिया अब चाइना की सिफारिश कर रहा है कि भाई चाइना के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए और इसको सेपरेट ना किया जाए, इसको इंक्लूड किया जाए। तो चलिए हम इस बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले यह बात जानने की जरूरत है कि एशिया पैसिफिक क्या है और इंडो पैसिफिक क्या है। तो एशिया पैसिफिक, जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो उस समय कोल्ड वॉर ने जो कि यूएस और रशिया के बीच में, ऑफ कोर्स यूएसएसआर के बीच में शुरू हुआ था, उसकी वजह से जितने भी डीकोलोनाइज स्टेट्स थे एशिया के अंदर वो धीरे 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 पोलराइज होने लगे। कुछ यूएस के साथ मिलने लगे, कुछ रशिया के साथ मिलने लगे। उस समय वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी चाहिए थी और सिक्योरिटी थी, इसलिए वो अलाइन हो रहे थे। और ये जो पूरा मोमेंटम बना इससे, उससे एशिया पैसिफिक का जन्म हुआ था। इंडो पैसिफिक क्या है? अब 2007 में जो जापान के प्रीमियर थे शिंजो आबे साहब, वो भारत आए थे और उन्होंने इंडो पैसिफिक की बात कही थी। मैं बता दूं कि जापान खुद ही चाइना के बढ़ते हुए क्लेम से कि ये आइलैंड मेरा है, ये आइलैंड मेरा है, इसकी वजह से काफ़ी परेशान रहता है, तो वो बात वहाँ से उभरी थी। और 2017 में जब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब भारत में आए तो उन्होंने इंडो पैसिफिक की बात को पूरा मूर्त रूप दे दिया। इंडो पैसिफिक शुरू हो गया और वह इससे यह चाहते थे कि जो पूरा रीजन है वहाँ से जो चाइना का बढ़ता हुआ इंकर्जन है उसको रोका जाए और ऑफ कोर्स इसको एशियन सेंट्रिक बनाया जाए और यहाँ पे कुछ पावरफुल कंट्रीज उसके साथ आ जाएं, इससे एक नया एशिया का डिप्लोमेटिक ज्योग्राफी तय किया जाए। अब ये जो चीज़ें आप समझें, इससे साफ नज़र आता है कि यूएस और चाइना, इनके अंदर पूरी पावर की राइवलरी चलती है। अब भाई यूएस चाहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग हो, खास करके जो पावरफुल रीजन है, इस रीजन में पावरफुल प्लेयर्स हैं, इंडिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वो सभी इसमें भाग लें और इस रास्ते से होकर के एक विजन हो कि ओपन और ट्रांसपेरेंट नेटवर्क जहां से बने, जहां से कि पीपल्स, गुड्स, कैपिटल, नॉलेज सब फ्री फ्लो हो और एक आर्क ऑफ फ्रीडम रहे। काफ़ी अच्छी सोच है, लेकिन यह सोच फिर वहीं से जन्म लेती है कि धीरे धीरे यूएस जो है इस पूरे रीजन में कमज़ोर पड़ता जा रहा है और उसको सपोर्ट चाहिए। अब चाइना देख लीजिए, चाइना के अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव से धीरे धीरे चाइना जो है पूरे वेस्ट एशिया और आपके साउथ एशिया की कुछ कंट्री और सेंट्रल एशिया से जुड़ चुका है। ऑफ कोर्स वो ईस्टर्न यूरोप को भी छू रहा है, मतलब उसका ट्रेड दैट विल बी वेरी मच पावरफुल। अब वहाँ से वो अफ्रीका को भी जोड़ रहा है। धीरे धीरे वो इतना पावरफुल होने लगेगा कि वह यूएस को टक्कर देने के जगह पे खड़ा हो जाएगा। अब यही रीजन है कि यूएस ने इंडो पैसिफिक को ऊपर जोड़ दिया और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर था इंडिया, उससे दोस्ती की और इंडो पैसिफिक हमारा आज मूर्त रूप ले चुका है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और यह जानते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन है क्या। इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो दो महासमुद्रों को, एक हमारा हिंद महासागर और पैसिफिक ओशन, मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। अब यह यूनाइटेड स्टेट के वेस्ट कोस्ट से लेकर के पश्चिमी तट से लेकर के इंडिया के वेस्ट कोस्ट तक है। अब इसके बीच में 24 देश आते हैं। अब उस 24 देशों के चलिए नाम जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनेई, कंबोडिया, फिजी, इंडिया, ऑफकोर्स इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यूगिनिया, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका, ताइवान, थाईलैंड, तिमोर लेस्ले, यूनाइटेड स्टेट्स एंड वियतनाम। अब ये जो पूरा रीजन है इंडो पैसिफिक रीजन, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ऑफ कोर्स यह
इस रास्ते से पूरा होकर के जो कि हमारे रेड सी से आपको जोड़ता है मेडिटेरियन सी को, यहाँ से शुरू करता है ये, और इस पूरे ये आपके अफ्रीका वाले कुछ रीजन को जोड़ता हुआ फिर इंडिया, इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ से लेकर के, और पूरा ये आप देखिए यहाँ पे साउथ चाइना सी के थ्रू होता हुआ यह यूएस के वेस्ट कोस्ट तक जाता है। अब यह इंडो पैसिफिक रीजन यह चाहता है कि एक मल्टीपोलर रीजन हो जहाँ पे सभी कंट्री जो मेंबर नेशंस हैं या जो भी हैं यहाँ पे वो इंटरनेशनल नॉर्म्स रूल्स और प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। बहुत ही अच्छी बात है। अब इस बात को मतलब इंडो पैसिफिक को जो इमेजिन किया गया है इसके दो मुख्य रीजन है। पहला कि चाइना का जो फुटप्रिंट है, चाइना का धीरे धीरे इनकर्सन कहिए या फिर ट्रेड में जो पावरफुल हो रहा है वह कहिए, तो चाइना का जो फुटप्रिंट है वो इस रीजन में बढ़ता जा रहा है लेंथ में, ब्रेड में। दूसरा यूएस जो कि बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर था इस रीजन में वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है और वह उठना चाहता है। अब इंडिया का क्या कॉन्सेप्ट है इंडो पैसिफिक रीजन में? अभी तक तो हमने देखा कि ये यूएस और चाइना की राइवलरी की वजह से शुरू हुआ, लेकिन इंडिया का क्या स्टैंड है? तो इंडिया इसके बारे में बिल्कुल ही इंक्लूसिव सोच रखता है। अब जैसा कि सांग्रीला डायलॉग, इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने हमारे कहा था कि इंडिया का जो इंडो पैसिफिक का पर्सपेक्टिव है, जो सोच है, वो बिल्कुल ही इंक्लूसिव है, ओपन है, और जो हमारा एशियान है मतलब कि एशियन नेशंस जो हैं उसके ऊपर सेंट्रलाइज किया गया है, और वह किसी भी कंट्री को टारगेट यहाँ पे नहीं करता है। अब मैं आपको बता दी कि एशियान क्या है, वह है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब इसमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं? ब्रुनेई आ गया, कंबोडिया आ गया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। आपको मैं बता दूं कि इसमें से ज्यादातर कंट्रियां चाइना के जो इनकर्सन है उससे बहुत सारी इसमें से परेशान है। अब हम यह देखें कि इंडो पैसिफिक रीजन की हम बात कर रहे हैं, इतना इसका सिग्निफिकेंस है क्या? तो इसका सिग्निफिकेंस जान लीजिए कि यह जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन में सबसे ज्यादा फिश, ऑयल, गैस और मिनरल रिसोर्सेज एकदम भरपूर मात्रा में है, और पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड है अराउंड 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स का वो साउथ चाइना सी से। अब मैं आऊंगा साउथ चाइना सी, आपको बताऊंगा कि है क्या, तो साउथ चाइना सी से होकर के फ्लो करता है, और जो मेजर इकोनॉमीज है चाइना हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, और जो आपका यूनाइटेड स्टेट का वेस्ट कोस्ट हो गया, और ये पूरी जो है वो साउथ चाइना सी के हो से होकर जाती है। अब देखिए बार बार आ रहा साउथ चाइना सी, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। 50% इंडिया का ट्रेड जो है वो भी साउथ चाइना सी से होकर के गुजरता है। अब हम यह जानेंगे कि इंडिया इसमें यह चाहता है कि यहाँ पे बस एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो और फ्रीडम ऑफ ओवर फ्लाइट हो, मतलब यहाँ से होकर के एयरक्राफ्ट पार हो सके सिर्फ इंडिया के नहीं सबके, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ पूरे इंडो पैसिफिक रीजन की नहीं तो इन पर्टिकुलर साउथ चाइना सी की मैं बात कर रहा हूँ। अब फ्रीडम ऑफ नेविगेशन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा प्लीज बेयर कीजिए टाइम के बारे में। अब देखिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है क्या? अगर कोई भी आपका आइलैंड हो गया या फिर कोई भी कंट्री हो गई उसके चारों तरफ 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है उसके नीचे, चाहे आप ऊपर का स्पेस मान लें या सी बेड मान लें, वो पूरा का पूरा टेरिटोरियल सी होता है, और वहां से होकर के मतलब एक इनोसेंट ट्रांजिशन हो सकता है किसी भी, मतलब किसी भी कंट्री का मिलिट्री का भी जहाज है तो आराम से होके जा सकता है बिना किसी गतिविधि के। उसके अगले 12 नॉटिकल माइल्स तक की जो एरिया है वो है कंटिगुअस जोन के अंदर आता है, और वहां से अगर कोई जहाज जाता है या किसी का भी जहाज जाता है तो किसी भी कंट्री का वहां पे कोई भी टेरिटोरियल क्लेम नहीं होता है। उसके अलावा अब कॉन्टिगुअस जोन के बाहर मतलब 24 नॉटिकल माइल ऑफ एनी लैंड और एनी आइलैंड के बाहर जो जगह है 200 नॉटिकल माइल तक,
जिसको कि हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स कहते हैं, वहाँ पे कोई भी मतलब वो पर्टिकुलर कंट्री चाहे तो वहाँ पे अपने रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन वगैरह ये सब कर सकता है, बट किसी भी तरह का इवन मिलिट्री एक्सरसाइजेस को वहाँ पे नहीं रुका जा सकता और यह यूएन क्लॉज का हिस्सा है। अब दो तीन चीज़ें बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये सारी बातें मैंने कही लैंड और आइलैंड के बारे में। अब इसमें दो चीज़ें और आती हैं, रॉक हो गया और एलिवेटेड लैंड हो गया। रॉक जो कि पानी के ऊपर दिखाई दे, और एलिवेटेड लैंड हो गया जो कि हाई टाइड में तो पानी के अंदर सबमर्ज रहे और लो टाइड में वह ऊपर रहे। अब किसी भी मान लीजिए कि आपके लैंड या फिर आइलैंड से दूर और आगे कुछ नॉटिकल माइल के पास से कोई लैंड है, वहां से आप कहिए कि वहां से आपको 12 नॉटिकल माइल चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि किसी भी रॉक या फिर एलिवेटेड लैंड के 12 नॉटिकल माइल तक ऐसा नहीं है कि टेरिटोरियल जो होगा टेरिटोरियल जोन होगा, ऐसा नहीं हो गया, आपकी टेरिटोरियल सी वो नहीं मानी जाएगी और वहां से होकर के कोई भी थ्रू हो सकता है या फिर मिलिट्री के जहाज जा सकते हैं या कोई भी एक्टिविटी वो कर सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड वाले जहाज जा सकते हैं। अगर अपने लैंड या आइलैंड से अलग कहीं पे आपने नया आइलैंड बना दिया है, आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिया है, और वहां पे आप कहें कि अब ये मेरा टेरिटोरियल सी हो गया, तो वहां से अब कोई नहीं जाएगा, कोई जाएगा तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन देगा कि मतलब उनका रीजन क्या है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। जो इनिशियल में जो था, मतलब अगर वहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी, मतलब इफ देयर वाज नो लैंड और आइलैंड बिफोर और बाद में आपने मैन्युफैक्चर कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे टेरिटोरियल सी हो जाएगा, पहले वाली चीज़ें वहीं वहाँ पे रहेंगी। अब इस टेरिटोरियल सी मतलब 12 नॉटिकल माइल्स और प्लस 12 मतलब कि जो कंटिगुअस जोन है उसके बाहर वाले एरिया को ऑफकोर्स उसके अंदर हमारा ईजेड जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वह आता है, उसको हाई सी एरिया कहते हैं, और वहां से कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो सकती हैं किसी भी कंट्री की, एंड यू कैनॉट कंट्रोल इट, कोई भी कंट्री उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। ये सभी यूएन क्लॉज का हिस्सा है। यूएन क्लॉज में बार बार बोल रहा हूँ वह क्या होता है, वह होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ सी। तो ये सारी चीज़ों को जानते हुए अब हम पहुंचेंगे साउथ चाइना सी की तरफ। अब भाई साउथ चाइना सी के बारे में चाइना क्या क्लेम करता है? अब चाइना यह कहता है कि यह जो पूरा साउथ चाइना सी है वह जो जगह है वो वहाँ पे बहुत मतलब हिस्टोरिक में 1,000 साल पहले 1,500 साल पहले वह उसका था, वह पूरा इंटायर रीजन उसका था। अब उसके बीच में जा जा करके उसने कुछ नए मैन्युफैक्चर्ड आइलैंड्स बना दिए हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दिए हैं। अब उस आइलैंड को बनाने के बाद से मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि नया अगर आप कुछ भी बताते हैं ये बनाते हैं तो उसके चारों तरफ से आपकी टेरिटोरियल सी नहीं मानी जाएगी, और ऑफ कोर्स वो आपके पास है भी, ये है भी नहीं, सिर्फ आप उसके ऊपर क्लेम कर रहे हैं। अब उसके चारों तरफ वह क्या करता है कि एक डिफेंसिव पैरामीटर जिसको कि टेरिटोरियल सी मान करके वो ड्रॉ कर देता है 9 डैश लाइन के द्वारा, और कोई भी सिप किसी भी कंट्री का इवन ट्रेड का भी, मिलिट्री की तो बात छोड़िए, आपको अपने टेरिटोरियल सी से होकर के मिलिट्री सी को भी जाने देना है अगर वो इनोसेंट ट्रांजिशन है तो किसी भी सी को वो क्या करता है, चेज करने लगता है। अब उसके इस क्लेम को जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसने 2016 में रद्द कर दिया। लेकिन चाइना यह कहता है कि यह जो पूरा साउथ चाइना जो सी है वहां पे जो मुद्दा चलता है वो उसका टेरिटोरियल मुद्दा है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, और उसमें यूएन क्लॉज का कोई भी स्टैंड मतलब लोकल स्टैंडिंग नहीं है और उसकी बात को यहाँ पर नहीं सुना जाएगा। मतलब सीधे सीधे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को रिजेक्ट करता है, वो उसके जजमेंट को मानता ही नहीं है। अब चलिए साउथ चाइना सी काफ़ी हो गया, आप देख लीजिए कि साउथ चाइना सी है क्या। तो आप देखेंगे ये जो है ये मेनलैंड चाइना है, बीच बीच में इसके आप देख लीजिए कि ये सारे इसके ऑफकोर्स आइलैंड्स हैं। इसके अलावा तीन जो आइलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इसमें, एक पारसेल है और दूसरा स्कारबोरग साउल है और पारासेल है और तीसरा स्प्रेटली है। इन ये तीनों इसने नए आइलैंड्स जो हैं वो बना दिए हैं। अब जो नए आइलैंड्स वहाँ पे जाके मतलब मैन्युफैक्चर कर दिया, अब अगल बगल की जो कंट्री है बेचारा वियतनाम, ऑफकोर्स वो वियतनाम की टेरिटरी मतलब टेरिटोरियल सी का हिस्सा है, या फिर आप कहें कि ईजेड मतलब अगर उसके हाई सी में भी पड़ता है तो
इस हिस्से में आप ब्लू से जो पेंटेड है वहां पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वियतनाम वाला ये हिस्सा हो गया। अब यहाँ पे हमारी ONGC विदेश वहां से ऑयल का एक्सट्रैक्शन करती है, चाइना आए दिन उसको रोक देता है। वो कहता है कि हिस्ट्री में ये मेरा था कभी, इसलिए तुम यहाँ पे मतलब वियतनाम का ये टेरिटोरियल सी नहीं है, और यहाँ पे अगर कोई एक्सट्रैक्शन करता है तो चाइना के रहते वो ऐसा नहीं कर सकता। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को भी रोकता है, इसके ऊपर से कोई जहाज अगर जाता है उसको भी रोकता है। इसकी काट है US, जो टाइम टू टाइम अपने जो मिलिट्री शिप्स हैं उनको इसके थ्रू होकर के भेजते रहता है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे US के साथ अलाइन होना हमारी मजबूरी बन जाती है। क्यों? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस पूरे रास्ते से होकर के इंडिया का 50% ट्रेड जो है वो फ्लो करता है। अब स्पार्टली आइलैंड, वो फिलीपींस भी उसके कुछ हिस्सों पे करता है, और जो है ब्रुनी भी कुछ हिस्से पे उसका ये करता है, वियतनाम भी क्लेम करता है और चाइना भी करता है, और सारों से ये झगड़ा करता है। ताइवान के कई सारे जो आइलैंड्स हैं उसको कहता है मेरा है, जापान के कई सारे आइलैंड है उसको कहता है मेरा है। मतलब साउथ चाइना सी में इसका इनकर्सन जो है एकदम मतलब चरम पे है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये इंडो पैसिफिक जो चीज आई थी वह आई थी। अब हम जान लें कि ये जो इंडो पैसिफिक आई उसका एम क्या था। उसका ये एम यह था कि जो भी मेंबर कंट्रीज हो उसमें कनेक्टिविटी हो, मैरिटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, काउंटर टेररिज्म हो, अगर इनके पास किसी में से भी किसी के पास परमाणु हथियार हैं उसका नॉन प्रोलिफरेशन हो, उसको बढ़ाना नहीं है, और अगर कोई भी साइबर इश्यूज हैं उसको एड्रेस किया जाए। फिर दूसरा एम यह था कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में ये इस बात को कमिट करें कि एक रूल बेस्ड ऑर्डर को वो फॉलो करेंगे, सारे लोग इंटरनेशनल रूल्स एंड ऑर्डर्स को यहाँ पे फॉलो करेंगे, और इंडो पैसिफिक में जितने भी रीजन्स हैं उनके सभी की सॉवरेनिटी को ध्यान में रखा जाएगा, और वो कैसे स्ट्रांग बने प्रॉस्पर हों इसका ध्यान रखा जाएगा। तो यह था एम इंडो पैसिफिक का। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और हम जानेंगे कि इंडो पैसिफिक मैरीटाइम कॉपरेशन क्या है। तो इंडो पैसिफिक जो मैरीटाइम कॉपरेशन है उसका मेन जो फोकस है वो हम जानेंगे। इसके अंदर जो कंट्रीज हैं वो इंडिया है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, यह है। और वह अपने मतलब पोजीशन के हिसाब से इसमें बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इनकी इस पूरे इंडियन ओशन में। और इन जो कंट्रीज हैं इनके अंदर एक सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब इस इंडो पैसिफिक रीजन में कुछ मैरीटाइम डायलॉग्स एंड एक्सरसाइजेस होते रहती है। सबसे पहले हम बात करेंगे डायलॉग्स की। तो एक इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग शुरू हुआ है जिसको हम IPRD कहते हैं। अब इसका आइडिया यह था कि सबसे पहले तो इंडियन नेवी ने इसको शुरू किया था। इंडियन नेवी की बहुत ही हाई लेवल की कॉन्फ्रेंस यह थी, इसको ऑर्गेनाइज किया था नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन ने, जो कि नेवी का नॉलेज पार्टनर है। और इसका एम यह था कि जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के मुद्दे पे बहुत ही सब्सटेंटिव और साइटफुल डिस्कशन हो, जो कि इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को प्रभावित करती है, और जो भी डिस्कशन हो वह पॉलिसी मेकर्स के सामने और ऑफ कोर्स पब्लिक के सामने आए। अब इस इंडो पैसिफिक मैरिटाइम डायलॉग का परमानेंट थीम क्या था कि इंडिया की जो अपॉर्चुनिटी है इंडो पैसिफिक रीजन में और उसके जो चैलेंजेस हैं उसका हर एक साल से रिव्यू हो। अब हम चलेंगे कि इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग ये 2 बार हो चुके हैं, 2018 और 2019 में। 2018 में इसमें क्या था, 2018 जो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग था वह उसने हाईलाइट किया था कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज इंडिया के मैरिटाइम पॉलिसी सेपर्स हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं या जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं वो कंट्री के सामने सारी अपॉर्चुनिटी को ट्रेड के बारे में रखा जाए, और उसके ऊपर जो भी कंट्री की मैरिटाइम समुद्र से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज हैं वो नई फॉर्मुलेट हों। और इसके 4 थीम हैं, अब परमानेंट थीम को छोड़ करके हर एक साल के थीम अलग होते हैं। अब इस रास्ते से होकर के
हम यह देखेंगे कि इसमें क्या ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी क्या है और खतरे क्या क्या हैं हमारे ट्रेड को, और उससे जुड़े हुए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे वो पोर्ट हो या फिर अगर डिफरेंट टाइप की कनेक्टिविटी हो, इन सभी प्रस्पेक्टिव के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। अब चाहे वो बड़ी कंट्री है या छोटी कंट्री है, सारी चीजों को ध्यान दिया जाएगा। अब रीजनल कनेक्टिविटी हो, ये दूसरा इसका था। फिर जो पैन रीजनल चैलेंजेस हैं, इस रीजन के अलावा मतलब सभी का इंक्लूसिव जो चैलेंज है, उसके लिए जैसे कि मतलब सी में परसिस्टेंट सर्विलियंस हो रहा है वो, और पूरे मैरिटाइम स्पेस में जो डिजिटाइजेशन हो रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं, या साइबर मतलब आईटी से रिलेटेड जो भी मालवेयर हुए हैं सिप्स के ऊपर या पूरे मैरिटाइम डोमेन के ऊपर, वो इस चीज़ को, इस रीजन में ये चीज़ें कितना प्रभावित करती हैं, इन सब के ऊपर एक टॉक हो। अब इंडियन इंडस्ट्री, चाहे वो प्राइवेट हो और पब्लिक हो, उनका एक साथ मैरिटाइम सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो इन सारी बातों को लेकर के इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2018 में आया था। ऑफकोर्स ये दिल्ली में हुआ था। फिर हम चलते हैं इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2019 की बात, तो यह 5 से 6 मार्च 2019 को न्यू दिल्ली में हुआ था। अब इसके 5 थीम थे कि मैरीटाइम कनेक्टिविटी को लेकर के इस पूरे रीजन में एक कोहेशन हो और उसका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढा जाए, और इंडो पैसिफिक के थ्रू एक फ्री एंड ओपन नेविगेशन हो और उसको मेंटेन किया जाए। प्लस जो ब्राउन से ब्लू इकोनॉमी है, उसका ट्रांजिशन कैसे हो, उसका एक रीजनल अप्रोच तय किया जाए, और मैरीटाइम इंपैक्ट के ऊपर मतलब मैरीटाइम के ऊपर जो भी समुद्र से रिलेटेड हैं उसके में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उसमें इंडस्ट्रीज 4.0 के ऊपर बातें हों, और जो दो कॉन्सेप्ट हैं सागर का और सागर माला का, वो कैसे इस पूरे रीजन को अच्छी तरह से मजबूत बना सकती है, इसके बारे में बातें की जाए। तो यह था आईपीआरडी 2019 के बारे में। अब ये जो आईपीआरडी 2019 था, उसमें पूरे ग्लोब से कई सारे रिनाउंड जो अलग अलग डोमेन के एक्सपर्ट थे, पॉलिसी मेकर थे, ऑफ कोर्स 13 कंट्रीज के उन्होंने हिस्सा लिया था। अब उसमें था ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा, ऑफ कोर्स चाइना, ध्यान दीजिएगा, इंडोनेशिया। तो क्या यह, अगर हम आईपीआरडी की बात करें, ऑफ कोर्स यह इंडिया सेंट्रिक ही है, नेवी शुरू करिए, और इसमें हम चाइना को भी हमने इंक्लूड किया था, इंडोनेशिया, इज़राइल, जापान, सिसली, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये था आईपीआरटी 2019 के बारे में। तो ये इंडो पैसिफिक में जो जो डायलॉग्स हुई थी उसके मतलब 2 बार हो चुकी हैं, 2018 और 2019 में, ऑफ कोर्स 2020 आ चुका है और मार्च के महीने में शायद फिर से हो। अब हम जानेंगे कि एक्साइजेस क्या क्या हुई हैं और इंडिया को क्या एक्साइज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या एक्साइजेस जरूरी हैं मसल फ्लैक्सिंग को रोकने के लिए। ऑफ कोर्स मसल फ्लैक्सिंग की जरूरत होती है, चाहे हम भले कितने भी इंक्लूसिव होने की बातें क्यों ना कहें। तो चलिए देखते हैं। तो चाइना अपने इनकर्सन को ना बढ़ाए और यूएन क्लॉज का ध्यान रखे, और इंडिया इस रीजन में अपने प्रेजेंस को दिखाए, इसलिए इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन में और स्पेशली साउथ चाइना सी में जो भी मेंबर कंट्रीज हैं या जो भी पावरफुल कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर के एक्साइजेस करते रहना जरूरी है, जैसे क्योंकि जहर को जहर से ही काटा जा सकता है, इसलिए इंडिया को एक्साइज करना बहुत ही जरूरी है। ऑफ कोर्स जहां पे ट्रेड की बात आएगी, हमारा फायदा आपका फायदा है, चाइना विल बी इंक्लूडेड, बट व्हेन इट कम्स टू द सोइंग पावर स्टॉपिंग माई सिप, देन ऑफ कोर्स आई विल स्टैंड फॉर माई सिप। अब मैं बता दूं कि इंडिया जो है इस रीजन में मालाबार नाम से एक एक्साइज ऑलरेडी करता आया है,
जो कि चाइना को हमेशा इस बात से यह मालाबार एक्साइज जताती रहती है कि कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। अब इंडिया ने यह मालाबार एक्साइज यूएस नेवी के साथ 1992 में शुरू की थी, और बीच में जब भारत के परमाणु परीक्षण को लेकर के यह कुछ दिनों तक बंद था, फिर शुरू हो गया। और 2015 में इवन जापान ने, जो कि चाइना से परेशान रहता है, उसने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया भी इसको ज्वाइन करना चाहता है, और ऑफ कोर्स भारत उसको कुछ रीजन की वजह से अपने ट्रेड को ध्यान में रखते हुए उसको नहीं चाहता कि ऑस्ट्रेलिया भी ज्वाइन करे, बट ऐसा होगा और एक क्वाड बनाने की जरूरत है। तो इस तरह से भारत ऑलरेडी मालाबार एक्साइज यूएस नेवी के साथ करता है, और सिर्फ हमें इसी मालाबार एक्साइज के द्वारा नहीं रुकना है। इस रीजन में जो एशियान कंट्रीज के कुछ कंट्रीज हैं जो कि चाइना के साथ परेशान है, ऑफ कोर्स इंडिया को उनके साथ भी एक्साइजेस करनी चाहिए, जो कि साउथ चाइना सी में स्टेक होल्डर्स हैं। और ऑफ कोर्स जो पावरफुल प्लेयर्स हैं इस रीजन के, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस और जापान, इनमें आपस में अच्छी तरह से बातें होती रहनी चाहिए, एक्साइजेस होती नहीं चाहिए। ध्यान इस बात का रखना है कि यह बस अपने सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हो, और अनवाइज कदम मतलब चाइना के इंटरजन को रोकने के लिए हो, चाइना को प्रोवोक करने के लिए ना हो। तो ये जो सारी चीजें थी वह था इंडो पैसिफिक के बारे में। अब मैं आशा करता हूं कि ये जो इंडो पैसिफिक जो था आपको काफी ही ज्यादा पसंद आया होगा। अब इसका इंग्लिश वर्जन मैं तुरंत ही लाने वाला हूँ। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया है। अगर आपको यह पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और रॉयल्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।